गौतम गंभीर का राजनीति से संन्यास। आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे गंभीर। आपने बीजेपी पर किया करारा तंज। मेरा सभी दिल्ली वालों से अपील है कि इस बार दिल्ली से सातों सांसद इंडिया अलायंस के जिता के भेजें, बीजेपी के सातों सांसद को निकाल कर बाहर फेंक दें जिन्होंने पिछले 5 साल में दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं किया। पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वह आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष से खुद को राजनीतिक दायित्व से मुक्त करने का अनुरोध किया है। गौतम गंभीर के इस ऐलान के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है, साथ ही उनके इस ऐलान को लेकर भी करारा तंज किया है। आप नेता आतिशी ने मामले को लेकर कहा कि आज गौतम गंभीर ने पोस्ट कर कहा कि वह अब राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि भाजपा गौतम गंभीर का टिकट काट रही है। बीजेपी ऐसे लोगों को टिकट क्यों देती है जिनका जनता के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं होता? इनके सांसद, विधायक, पार्षद कोई भी जनता के बीच नहीं दिखते हैं। कुछ घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी के ईस्ट दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर जी ने ट्वीट करके कहा है कि वो राजनीतिक जीवन से संन्यास लेना चाहते हैं और अब आगे वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहना चाहते। इस ट्वीट का क्या मतलब है? इस ट्वीट का साफ साफ मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी गौतम गंभीर जी का ईस्ट दिल्ली से टिकट काट रही है। भारतीय जनता पार्टी का अब ये ट्रेंड बन गया है। वो क्या ट्रेंड है कि पहले भारतीय जनता पार्टी किसी को भी कैंडिडेट बना देती है, उसकी योग्यता नहीं देखती, उसकी जनता के काम करने के प्रति कमिटमेंट को नहीं देखती, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हों, ऊपर से लेके नीचे तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि अपने इलाके की जनता में ना तो नजर आता है ना कोई काम करता है। तो आज मेरा सभी दिल्ली वालों से अपील है कि इस बार दिल्ली से सातों सांसद इंडिया अलायंस के जिता के भेजें, जो दिल्ली वालों की आवाज संसद में उठा सके, जो दिल्ली वालों के लिए एक सुरक्षा कवच बन के खड़े हो सके, जो दिल्ली वालों के अधिकार की लड़ाई, दिल्ली वालों की हक की लड़ाई संसद में उठा सके और इन बीजेपी के सातों सांसद को निकाल कर बाहर फेंक दें जिन्होंने पिछले 5 साल में दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं किया।